Assalamu alaikum class. This lecture is recorded for Fatal Board first year class. Dear students, I am Sarit from. I hope you are well. So, unit number 1 and lesson number 3. Topic is September, the first day of school poem by Howard Nemroff. About the poem, this is a nice and sensational poem by Howard Nemroff. This is written in Esperanto. The poem is an expression of the feelings of a father about his son going to school for the first day. The poem depicts the love and affection the poet as a father feels when he leaves his son at school on the first day. The author has related this even with a historical event in the life of Prophet Joseph. तो ये फादर और बेटे की कहानी है, जैसे वो अलग होते हैं एक दूसरे से, जैसे हज़रत यूसुफ का किस्सा आप लोगों ने, आप लोगों के पास होगा, आपने सुना भी होगा कि हज़रत यूसुफ कितने साल तक अपने फादर से नहीं मिले थे, पर जब मिले थे तो बहुत रोए थे। इसी तरीके से जब एक बच्चा स्कूल जाता है अपने पेरेंट्स, उसका फादर फेड होता है और बच्चा फेड होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समरी से शुरू करेंगे हम। The poem is about a father and a son. एक बच्चा है, एक फादर है, उनके बारे में ये पोएम लिखी गई है। The author himself is father in his poem. ये ऑटोबायोग्राफिकल आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो himself, ये जो author है, ये खुद एक फादर है, ओके, इन दिस पोएम। वो क्या कहता है? He narrates the complex feelings of a father who is taking his son to school. It reminds him of his first day at school. He is worried about his leaving him alone, but at the same time hopes for a great kindness coming of it in the end, only if the child finds father-like figures among his teachers. The first strophe, which two lines of the poem, the author tells us how the father takes his child to school, how the child cries a little, but then lets go of his father's hand. The father also has tears in his eyes. He recalls the day when his father took him to school. उसको अपना दिन याद आ जाता है। तो ये हम भी देखेंगे कि हमारे साथ भी ऐसी फीलिंग्स होती है, जब हम फर्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो रोते हैं, माँ बाप की याद आती है। जब हमें कोई अच्छा टीचर ना मिले तब तक हम परेशान रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट स्ट्रोफ है, इसके ओरिजिनल लाइन्स आपके बुक में मौजूद है, आप पढ़ेंगे और फिर उसको इससे कंपेयर करेंगे और अपना क्रिटिकल क्रिएटिव थॉट्स के साथ इसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। नाउ समरी इज कंटिन्यूड। In the second stroke, we see the father falling into thinking about children at school and how they have to endure, means bardasht karna, whatever goes on in the school, good or bad. He refers to the stress children learn at school as unreasonable and authoritative, before which everything has to go down. बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, गुड हो या बेड हो, बच्चों को वो उसको सीखना पड़ता है और बोर्ड और झुकना पड़ता है, मींस खामोश रह के उसको सुनना पड़ता है। इन द थर्ड स्ट्रोक मी स्पीकर सॉरी द स्पीकर ये द स्पीकर अल्यूड टू द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट। अब यहां पे देखिए, वो बाइबलिकल स्टोरी होती है, अल्यूड मींस रेफरेंस देना, प्रॉफिट यूसुफ की, जोसेफ एंड हिज ड्रीम व्हिच वॉन हिम द हेट्रेड ऑफ हिज ब्रदर। जोसेफ सफर्ड बिकॉज़ ऑफ हिज ड्रीम, बट ग्रेट काइंडनेस केम टू इट इन द एंड। ये उसका थोड़ा किस्सा है, अगर आप चाहें तो YouTube करके इसको देख सकते हैं, यूसुफ का किस्सा। तो ये आप मेंशन करेंगे अपनी कॉपी में कि भाई इस पोयम में हमने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी, एक प्रॉफिट का किस्सा सुना था, नॉट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ये भी यूसुफ का किस्सा है, ठीक है। नाउ इन द फोर्थ स्टॉप द स्पीकर थिंक्स ऑफ हिज ओन चाइल्ड अगेन हु हैज एंटर्ड द क्लासरूम। ही थिंक्स अबाउट व्हाट वुड बिकम ऑफ हिज सन आफ्टर इयर्स। ही होप्स फॉर हिज सन but does not know to die exact outcome. He hopes that his son will find father-like figure among his teacher. जब बच्चे माँबाप बच्चों को छोड़ते हैं, फिर उनमें outcome देखते हैं कि क्या है, क्या कुछ सीखे नहीं सीखे। In the last two lines, the speaker says that tears shed at such time are ceremonial, selfish, but he hopes for the great kindness that may come at the end, just as in Joseph's case. जब आखिर में बच्चा कामयाब होता है, तो माँबाप रोते हैं कामयाबी के लिए, और ये एक ceremonial रस्म है। ये था पोयम क्लास में, ठीक है। अब पोयम की एक्सप्लेनेशन हम थोड़ी बहुत करेंगे इसमें, और पक्का फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी था, लेकिन हम ये जो है कुछ स्किप करेंगे, ये वाली जो भी सामने है। Here is listed the wide explanation of the poem, the general things like reference and the context of the poem have been given below. You will write the same reference and the same context for every stanza. Reference क्या है? These lines stanza have been taken from the poem September, the first day of school, written by Howard Nemroff. Dear students, अब इसके आगे ये जो है context है, ये हम next lecture में पढ़ेंगे। आज के लिए ये summary